मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा एक ऐसा स्टेट जिसे मेघों का घर अर्थात अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, लेक, सीनिक लैंडस्केप्स और कुछ हिडन जिम्स के लिए भी जाना जाता है। अगर आप अपना मेघालय ट्रिप प्लान कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस आइटनरी में हम लोगों ने गारो हिल्स में बसा वारीचूरा को भी कवर किया है। एंड दिस वीडियो विल बी ए डे वाइज ब्रेकडाउन ऑफ आवर एंटायर मेघालय ट्रिप जिसको हमने 6 days में प्लान किया था। मेघालय इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 regions, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स एंड गारो हिल्स। सो दीज आर द प्लेसेस टू विजिट इफ यू आर इन मेघालय। वैसे तो मेघालय ट्रैवल करने का बेस्ट सीजन है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, बट अगर आप मेघालय मॉनसून में एक्सप्लोर करना चाहते हो देन आप खासी और जयंतिया हिल्स को कवर कर सकते हो, एज गारो हिल्स इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। एंड इफ यू आर प्लानिंग वारीचूरा देन ट्राई टू अवॉइड मॉनसून सीजन। गुवाहाटी इन असम इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दिस स्टेट, एंड शिलोंग इन मेघालय विल बी द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट। आपको गुवाहाटी से प्राइवेट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लगभग 200 rupees पर पर्सन में शिलोंग ड्रॉप कर देगी। एज वी वेर इन ए ग्रुप ऑफ 4, सो हम लोगों ने सेल्फ ड्रिवन कार बुक किया था विच कॉस्टेड अस अराउंड 2000 rupees पर डे एक्सक्लूडिंग द फ्यूल चार्जेस। डे 1 की शुरुआत आप करोगे फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, जहाँ जाते वक्त ऑन द वे में आपको यूमियम लेक देखने मिलेगा। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे समर में वाटर शॉर्टेज को डील करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से आपको खासी हिल्स का एक पैनोरामिक व्यू भी देखने मिलता है। गुवाहाटी से शिलोंग लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। शिलोंग में आप अपना स्टे पुलिस बाजार के पास बुक करना और यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त बहुत अच्छी सेलिब्रेशन भी देखने मिलती है। शिलोंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय और इस जगह को लोग स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। डे 2 में अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके आप निकल पड़ोगे चेरापुंजी की ओर। चेरापुंजी, जिसे अभी सोरा के नाम से भी जाना जाता है, एक समय पर वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का रिकॉर्ड होल्ड करता था। दिस प्लेस इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि आपको यहाँ समर्स में भी बारिश देखने मिल जाएगी। शिलोंग से चेरापुंजी जाते वक्त आप मिलियम में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो देन ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होंगे, बट इफ यू आर ए हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस रेंजिंग फ्रॉम चिकन टू पॉर्क। दे इवन सर्व यू लोकल क्यूजिंस व्हिच आई थिंक इज अ मस्ट ट्राई। आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़ते हैं वे सोडोंग वाटरफॉल्स की ओर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वाटरफॉल दैट यू मस्ट इंक्लूड इन योर मेघालय आइटिनरी। वे सोडोंग वाटरफॉल फॉल्स इन 3 stages एंड इसके बेस तक पहुंचने के लिए आपको 30 से 40 मिनट्स का एक ट्रैक करना पड़ेगा। वाटरफॉल देखने के बाद आप निकल पड़ोगे चेरापुंजी की ओर। लगभग 7 बजे हम पहुंच जाते हैं सोरा। यहाँ होटल से ज़्यादा होमस्टेज मिलेगा आपको, जो काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल भी होते हैं। वी बुक दिस 4-bedded room फॉर जस्ट 1000 rupees पर डे। फॉर फूड देर आर क्वाइट अ फ्यू रेस्टोरेंट्स इन द टाउन। As 70% of people living in Sora are Christians, so Christmas and New Year में आपको हर जगह celebration देखने मिलेगा। Day 3 में आप या तो Naukalikai waterfalls and Arwa caves plan कर सकते हो, या फिर double decker route bridge। As next day rainfall की predictions थे, so we planned for Naukalikai waterfall. A pro tip for you, always check the weather report before planning the itinerary. Naukalikai falls के लिए आपको 20 rupees per person की entry fees देनी पड़ती है। Naukalikai fall is the tallest plunge waterfall in India. It falls from a height of 340 meters. इस waterfall की एक बहुत tragic story है, जिसे हमने हमारी मेघालय series में cover किया है। So click on the I button to watch the full video. Moving ahead, हमें on the way में एक graveyard दिखता है, जिसके उस पार एक abandoned lake भी था। यहाँ का vibes थोड़ा creepy था, as everything was ruined and left abandoned. Again, travel at your own risk. Meghalaya is also known for cave exploration. So इस day में आप Arwa या फिर Mossmai caves भी plan कर सकते हो। केव्स में पर पर्सन 20 की एंट्री फीस देनी पड़ती है,
और ये केव मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। ये केव काफी सेफ है और जगह जगह पर आपको आर्कियोलॉजिकल रॉक्स देखने मिलेंगे, बट कुछ जगह पर इसके पैथ्स बहुत नैरो है, सो इट माइट बी चैलेंजिंग फॉर एनी क्लॉस्ट्रोफोबिक पर्सन। डे 4 में आप सौरा को गुड बाय बोलकर निकल पड़ोगे टाइना विलेज की ओर टू सी द कल्चरल जेम ऑफ मेघालय, द डबल डेकर रोड ब्रिज। इस ट्रैक में लगभग 3500 स्टेप्स हैं, जिसका रूट वहां के लोकल लोगों के घरों से होकर गुजरता है। ऑन द वे आपको पिट स्टॉप्स, आयरन ब्रिजेस और वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे। डबल डेकर रूट ब्रिज के बारे में थोड़ा और जानने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। डबल डेकर रूट ब्रिज देखकर सेम डे आप निकल पड़ोगे मॉलिनोंग विलेज की ओर। हमें मॉलिनोंग पहुंचने में देर हो गई थी एंड हमने मॉलिनोंग में कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें कार में ही सोना पड़ा था उस रात। सो बुक योर स्टे इन एडवांस। डे 5 में आप घूमोगे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मॉलिनोंग। इस विलेज में आपको चर्च, रेस्टोरेंट एंड होम स्टेज देखने मिलेंगे। आपको मॉलिनोंग घूमने में 1-2 घंटा लग जाएगा। मॉलिनोंग से खासी हिल्स को बाय बोल के आप निकल पड़ोगे जयंतिया हिल्स की ओर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा दौकी। दिस पार्ट ऑफ मेघालय शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, जहाँ से बहती है ये रिवर जिसे उमगोट रिवर कहा जाता है। दौकी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। एक बोट में 3 पर्सन अलाउड होते हैं, जिसके चार्जेस 800 रुपीज करके होते हैं। खैर, दौकी से 30 किलोमीटर में मेघालय का एक और सीनिक वाटरफॉल गिरता है, क्रैंगसोरी वाटरफॉल, जहाँ जाने के लिए आपको 50 रुपीज का एंट्री फी देना पड़ता है। इस वाटरफॉल में आपको लाइफ जैकेट्स भी मिल जाएंगे, जिसको पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हो। दीज वाटरफॉल्स आर एक्चुअली वेरी डीप, सो बिना लाइफ जैकेट के स्विमिंग अवॉइड करना बेटर होगा। आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़ते हैं जयंतिया हिल से गारो हिल्स की ओर। गारो हिल्स में रोड काफी अच्छे हैं, बट कहीं कहीं 20-30 किलोमीटर पे आपको पैची रोड भी मिलेंगे। गारो हिल्स में लैंग्वेज बैरियर फेस करने मिलेगा आपको, एज मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक लोकल लैंग्वेज हियर। वी ऑलरेडी बुक्ड अ पैकेज फॉर वारीचोड़ा, जिसमें स्टे, फूड, बोट एंड गाइड इंक्लूडेड था, जिसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। लगभग रात के 10 बजे हम पहुंच जाते हैं इमांगले। रात में डिनर करके हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे विल बी अ डे फुल ऑफ एडवेंचर। डे 6 के मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है और हम रेडी हो जाते हैं वारीचोरा को एक्सप्लोर करने के लिए। महान भाई ने हमारे लिए 2 बाइक्स मंगवा कर रखा था, जिसके लिए फी पेड 1000 रुपीज पर बाइक। वैसे तो यहाँ 4x4 जीप्स भी मिलती है, जिसका चार्जेस 3000 रुपीज पर ट्रिप होता है। रोड्स फ्रॉम इमांगरे टू वारीचोरा इज रियली बैड एंड आई होप आने वाले वक्त में रोड्स की कंडीशन अच्छी हो जाए। बेस में आप अपना बाइक और कार पार्क कर सकते हो, जहां से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको नीचे जाना पड़ता है। आई मीन दिस प्लेस विल मेक यू रियलाइज दैट इंडिया में भी इतने मैजिकल जगह एग्जिस्ट करते हैं। बोटिंग लगभग 20-25 मिनट्स का होता है यहाँ पर, और एंड में आपको 2 वाटरफॉल्स भी देखने मिलेगा, जिनमें से एक यहाँ का सीक्रेट वाटरफॉल भी है। इस ट्रिप को एंड करके अगर आप लकी हुए देन गारो ट्राइब्स के साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हो। We were really scared before coming here, but later realized that we are glad that we explored this part of Meghalaya. Thank you, Meghalaya, for giving us these beautiful memories to cherish for our lifetime. Meghalaya cover करने में हमें लगभग 25,000 का expense आया था, जिसका breakdown कुछ इस तरह है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया, then like this video, share this with your friends and family, जिसके साथ आप Meghalaya explore करना चाहते हो। एंड हमें इंस्टा पर जरूर फॉलो करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रैवल लाइक ए नोमैड एंड बी नोमैडिक।